रायसेन जिले के सांची के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में गोली चलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सांची के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई है, जिस दौरान एक बच्चा घायल हुआ है, जिसके बाद बच्चे को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। साढ़े 10 बजे प्रेयर होती है, बच्चे और स्टाफ पूरा ग्राउंड में थे प्रेयर के लिए। उसी बीच में प्रेयर से पहले वो बच्चा आ रहा होगा प्रेयर के लिए, तो 26 जो रूम है कक्षा 7 वाला, उसमें से वो निकल के मैदान की तरफ आ रहा है। इतने में उसको एकदम पीठ में छर्रे वर्रे लगे, तो जो वहाँ पर उपस्थित थे टीचर्स उनको भेजा अस्पताल, तो वही वहाँ पर अस्पताल में उसको दिखवाया। इधर प्रेयर के लिए उसी बच्चे को मतलब लगे हैं छर्रे, बाकी सब बच्चे सुरक्षित हैं। यदि वो सब बच्चे यहाँ होते क्लास में टीचर होते तो कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य DN सक्सेना ने बताया कि सुबह प्रेयर के समय कक्षा 7 से मैदान की ओर आ रहा छात्र छर्रे लगने से घायल हुआ है, लेकिन गोली किसने चलाई यह पता नहीं चल सका। बताया गया कि यदि अन्य बच्चे कक्षा में होते तो कोई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल एक ही बच्चा घायल हुआ है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। फायर किया दूर से, तो वो छर्रे आगे कमरे में थे, बच्चे सब निकल गए थे, वो बच्चा पीछे था, तो वो दीवार से जो छर्रे टकरा के उसके वहाँ 3 छर्रे लगे हैं पीछे। बच्चा अच्छा है, मामूली को है, अब इसकी हम जांच कर रहे हैं कि फायर किसने किया, कहाँ से किया, कैसे किया, छर्रे किस चीज के। सांची थाना प्रभारी दुर्जन सिंह बरबड़े ने बताया कि गोली चलने के बाद दीवार से छर्रे टकराकर बच्चे की पीठ में लगे हैं, जिससे मामूली चोटें आई हैं, जबकि दूसरी ओर मामले की जांच की जा रही है। सांची से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।